मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के अवतार काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? दरअसल एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच आपस में बहस हो गई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का उत्तर करने के लिए जब वे वहां पहुंचे, तो ऋग्वेद ने कहा कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित। वहीं जब ये सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूछते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं और वह शिव के अलावा और कोई नहीं। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ गए। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि यह काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं बल्कि शिव का अवतार भैरव थे। ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कटा सिर गिरा उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।